एक कान पर ढोलक बजा मुझे कुछ जिंदगी है जी सांस खेल रही ठीक है। अब भैया वहाँ ने रोटी पानी में बना रखी और वो वहाँ पहुँचे डेरा हुए वो जाट में बिक गया तो खूब हो जाट ने कहा काम करो वही खुशामद करी उनकी बैठने उठने की सुना भैया अजी वो खड़ा तुमने ऐसा दिया वन तो हमारे का गन्ना कहीं बन जाके वो बोलो भैया तुमने वहाँ घर दिखा दियो वो भाई घर तो ना दिखाओ तो बहन कह रहे ना कौन कौन का घर वालो होगा भागो हैं तुमने घर दिखाया हो भाई भाई घर ना दिखाए तो हम तो गलती है चलो रोटी खाओ तो भूखे प्यासे होंगे वहाँ गए आ गए रोटी पास नहीं वहाँ बुढ़िया अरे लौट रही और बाहर के अंदर लगा तुम बोल लगी अरे अम्मा मर गई अम्मा मर गई लड्डू बोलो लड्डू कह दो खाने को बैठे लड्डू वहाँ खा लो सास कहती गई और बालक मेरी दादी मर गई दादी मर गई अरे मर गई और रोटी कौन पका गई है उनमें और बोला अरे चुप रहो रोटी खा लो मैं आप जिंदगी कर लूँगा और बालक कहाँ चुप पोए बोला अरे चुप है जा जिंदगी कैसे कर लो और बालक का काम करो ला ढोलक ला उतार के टंगड़ी का और ढोलक बालक लाए कान पर बजाए लड्डू तो कान फड़फड़ा के लेकिन शिकायत होता ही वो बहन तो थी ढोलक तो बड़ी जोर की है भाई ये तो काई ना मरन दे अभी या तो हम जिंदे करने करेंगे तो भैया वहाँ का काम करो बोल भैया ढोलक है तू हमें दे दे ओ भैया यही तो बच रहे हैं हम नहीं हम तो सब नहीं मर जाते कहना आज हमें दे दो यार बोल ला तो 200 रुपये मन दे भाव है 100 रुपये ढोलक ले गए दो हाँ अब ले गए जी तो भैया वो बोले भाई पहले कौन मारेगा अपने घर के ने वो बोले पहले मैं मारूंगा वो कहोगा मैं मारूंगा भैया ऐसे कहो तुम चारों माल लो सब लेने ये सब जिंदे कर लेंगे हाँ भैया घर गए तो वहाँ कोई जैसे पावे तहलक सबने ठोड़ मार दिए एक ना छोड़ो घर में अब जब कह रहो तो बाबा जो कह रहे हो ना लोग तू का करो तो भगवान का काम करो ढोलक ला अब जिंदे खड़े अब जाके कान पर बता मुझे जिंदे है नहीं मैं तो मरा है बोले बहन की रंडी मैं तो बाकी ढोले बैठो देख लो नजरी वो बजा पर बहन करें तो बिल्कुल ही बाकी नजी को अब वहां बजाए वो बोलो बहन करें मैं तो बाकी चुप दिया करो कैसे बजा रहो ला अब वहां बजा बोले तेरी बहन तुम्हारी हम तो पटपड़ा करवा दी सब मरवा दिए अब चलो सारे आपको छोड़ो ही मत के।